दोस्तों, क्या आपको पता है सीमेंट कितने टाइप की होती है? नहीं ना, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सीमेंट कई प्रकार की होती है, जैसे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलानिक सीमेंट, हाई एलुमिना सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट एक्सेट्रा। तो चलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कौन सी सीमेंट कितने समय बाद कितनी स्ट्रेंथ देती है। और अगर आप इन सीमेंट के यूजेस और प्रॉपर्टीज जानना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप चाहे तो वहाँ से ये वीडियो भी देख सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। रुको जरा, सबर करो। ओपीसी 3 दिन बाद 16 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के अराउंड, 7 दिन बाद 22 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के अराउंड और 28 दिन बाद 33 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के अराउंड की स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। पीपीसी भी 3 दिन बाद 16 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के अराउंड, 7 दिन बाद 22 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के अराउंड और 28 दिन बाद 33 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के अराउंड की स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। लो हीट सीमेंट 3 दिन बाद 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के अराउंड, 7 दिन बाद 16 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के अराउंड और 28 दिन बाद 35 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के अराउंड की स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट भी 3 दिन बाद 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के अराउंड, 7 दिन बाद 16 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के अराउंड और 28 दिन बाद 35 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के अराउंड की स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट 1 दिन बाद 16 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के अराउंड और 3 दिन बाद 27.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के अराउंड की स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जबकि हाई एल्यूमिना सीमेंट 1 दिन बाद 30 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के अराउंड और 3 दिन बाद 35 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर की स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। दोस्तों, कोई भी सीमेंट 28 डेज बाद अपनी 90-100% स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, इसलिए यहाँ पर केवल 28 डेज ही कंसिडर किया गया है। जबकि ओपीसी, पीपीसी और लो हीट सीमेंट की 1 दिन की स्ट्रेंथ डिफाइन नहीं की जाती है, इसलिए आपको कुछ बॉक्स खाली ही दिखेंगे। आई होप दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।